फ्रेंड्स, अगस्त के महीने में क्या रेनी सीजन में आपके एडेनियम फ्लावर प्लांट पर फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां नहीं बन रही हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। मैं आपको अपने कुछ एडेनियम दिखा रही हूं, जिन प्लांटों में, कोई प्लांटों में तो फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है, कम से कम 10-12 प्लांट हैं साथियों जिनमें फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। सबसे पहले मैं आपको अपने एडेनियम फ्लावर प्लांट की ब्लूमिंग लाइव दिखाना चाहती हूँ। कई लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मैं अलग से फूल लगाती, तो सबसे पहले आप जज करिए कि ये फूल प्लांट में लगे हैं। देखिए, ये ब्रांच एकदम नीचे की तरफ झुक चुकी थी, मैंने एक डंडी का ये सहारा लगाया है ताकि ये नीचे की तरफ ना झुक सके। ये देखिए, क्रीम कलर का फ्लावर है, ये मुझे अपने गार्डन में सबसे ज़्यादा पसंद है। और ये रेनबो का पौधा है, इसको मैं कई वीडियो में आपको दिखा चुकी हूँ। इस फ्लावर का कलर भी देखिए आप, कितना मल्टीपल कलर, मल्टी कलर का फ्लावर है। ये फ्लावर अभी जून के महीने में फ्लावरिंग खूब दे रहा था, जुलाई में इसमें फ्लावरिंग रोक दी, रेस्ट करने लगा। अब इस पर भी देखिए ढेरों कलियाँ बनने लगी हैं। तो इस तरह से अगर आपको अपने एडेनियम फ्लावर प्लांट पर खूब अच्छी फ्लावरिंग पानी है, अगर कलियाँ नहीं बन रही हैं, फूल नहीं आ रहे हैं, तो हमको क्या करना होगा कि इस फ्लावर प्लांट के ऊपर ढेरों कलियाँ भी बने इस तरह से, और फ्लावरिंग भी आ सके। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर, मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके बीच में इस फ्लावर प्लांट को इसलिए लेकर आई हूँ कि तहे दिल से मैं चाहती हूँ दोस्तों कि आप सभी के फ्लावर प्लांट पर एडेनियम की इस तरह से अच्छी सी ब्लूमिंग हो सके। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। एडेनियम की ही चर्चा करने वाले हैं कि क्यों नहीं हो रही हमारे एडेनियम फ्लावर प्लांट पर, फ्लावर क्यों नहीं आ रहे हैं। तो साथियों, अभी 2-3 दिन से हमारे लखनऊ में अच्छी खासी बारिश हो रही, अभी भी थोड़ी बहुत धूप निकल के आई है, लेकिन 2-3 दिन से लगातार शाम में बारिश आ जाती है। तो पहले भी मैंने बताया है आपको कि इन पौधों को ज़रूर ज़रूर बारिश का पानी लगने दें। मेरे सारे एडेनियम प्लांट देखिए खुली छत के नीचे ही रखें, कारण ये है कि पौधों की संख्या बहुत है और बड़ी बड़ी साइज के हैं, इसलिए मैं शेड नहीं प्रोवाइड करा पाती हूँ। बारिश में इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, पौधा बहुत सारी इस तरह से मल्टीपल ब्रांचेस भी निकालेगा, कोडेक्स भी इस तरह से काफ़ी मेच्योर होगा, अभी ब्लूमिंग भी कर रहा है, कलियां भी आ रही हैं। लेकिन मेरे कुछ एडेनियम हैं जिन पर कलियां अभी बन ही नहीं रही हैं, ग्रोथ तो कर रहा है लेकिन में कलियां नहीं हैं, कोडेक्स भी सबके बहुत बड़े हो चुके हैं लेकिन कहीं भी नामो निशान नहीं है कलियों का। तो अब इस प्लांट पर कोई कली नहीं है, उसका मुझे कुछ ना कुछ उपाय करना है। कई लोगों ने वीडियो में बताया कि मानसून आने से पहले पत्तियां काट देनी चाहिए, तो साथियों मैंने भी कुछ प्लांटों की देखिए पत्तियां काट रखी हैं, और सच है ज़्यादा पत्तियां होती हैं तो फ्लावर नहीं अच्छे से आते हैं। इन प्लांटों की भी मैंने पत्ती काट रखी है, इसका वीडियो भी डाला है, आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। तो अच्छी ग्रोथ तो करता है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर ये पौधा इसी तरह की हैवी ब्लूमिंग करता रहता है। जब सर्दियां शुरू हो जाती हैं तो ये पौधा साथियों बहुत तेज़ हवा चल रही, हल्की हल्की बारिश भी आ गई है देखिए, तो ये पौधा फिर सर्दियों में डोरमेंसी में चला जाता है। अब हमें अगले इन 3 महीनों में खूब अच्छे से एडेनियम की पाठवार को होने देना है और अच्छी फ्लावरिंग लेनी है। तो अभी अपने पौधों की ग्रोथ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, पत्तियों से भी हमें प्लांट, अगर कोई पत्ती इसमें सूखी सड़ी होती है तो निकाल कर आप ये देखिए बाहर कर दीजिए, इससे ब्रांच रॉट भी हो सकता है। अगर आपको अपने पौधे को बचाना है तो कुछ टेम्परेरी इलाज कर लीजिए, बारिश में कोई बड़ी पॉलिथीन ले लीजिए, इन सबको ढक दीजिए चादर की तरह, मैं तो यही करती हूँ, लगातार 6-7 दिन बारिश होती है तो सबको ढक देती हूँ,
फिर धूप आने पर मैं खोल लेती हूँ। लेकिन जैसे लोग अधिक मात्रा में दो चार पौधे हैं तो आप शेड में ज़रूर रख सकते हैं दोस्तों, लेकिन हमारी तरह इतने सारे पौधे होंगे तो आप भी शेड में शायद नहीं रख पाएंगे, इसीलिए मैं पॉलिथीन की व्यवस्था रखती हूँ। अभी ये मेरा प्लांट देखिए, इसका कोडेक्स भी काफ़ी मैच्योर है। ये मेरा कटिंग से लगा हुआ प्लांट है, आप इसकी कोडेक्स को देखकर ही समझ गए होंगे, स्टंप को देखकर ही। मैंने पिछले जुलाई में अगस्त में इसकी कटिंग लगाई थी। इस साल इस बेबी प्लांट ने देखिए कितने सुंदर सुंदर फ्लावर देना शुरू किए। लोग कहते हैं कटिंग नहीं लगाना सक्सेस होता है, पर देखिए आपके सामने कटिंग लगाई है वो कितनी सक्सेस है। और अभी 8 दिन पहले मैंने लगाया था एक कटिंग जो आपके सामने है, कम से कम 8-10 पौधों की कटिंग लगाई है रोजी वाले की, क्योंकि उसमें सीड तो निकलते नहीं है साथियों, तो मैंने कटिंग लगा दी और 100% कटिंग सफल होगी। मैं इनका भी अपडेट 2-3 महीने बाद आपको ज़रूर दिखाऊंगी। वैसे 1 साल बाद का अपडेट मैं आपके सामने पहले ही लेकर बैठी हूँ। तो ऐसा करना है आपको, जो छोटे बेबी प्लांट हैं उनको आप 2-3 दिन की बारिश में रख दीजिए, फिर आप बारिश से उनको बचा लीजिए, कहीं शेड में ज़रूर से रख दीजिए। छोटे बेबी प्लांट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी सड़ने गड़ने लगते हैं। कई लोगों के सवाल आए कि मैम पत्तियों को काट सकते हैं, तो जी हाँ प्रूनिंग करिए, लेकिन ध्यान रहे जब आप धूप देखिए तभी पत्तियों को काटिएगा। अगर बारिश हो रही है तो पत्तियों को ना काटिएगा, पत्तियों को कम करने से रिजल्ट आपके सामने है। देखिए जून के महीने में मैंने इसकी पत्तियां काटी थी, ये देखिए अब थोड़ी नई आ गई हैं, उसका देखिए ब्रांचेस भी मोटी होने लगी और फूल का आप साइज देखिए, कलियों की संख्या देखिए। पत्तियों के काटने का बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। तो इस तरह से आपका पौधा अच्छी तरह से, इस प्लांट की भी मैंने पत्तियां देखिए सारी पत्तियां काट दी थी ऊपर की दो छोड़ के, जिसका वजह है कि पत्तियों को काटने से आपका प्लांट पर कलियां हिसाब आएंगी, फूल भी आ जाएंगे। देखिए हर ब्रांच पर कली है, तो आपके सामने सबूत है पत्तियों के काटने का, बारिश में रखने का। तो दोस्तों चलिए मैं पत्तियां काट चुकी हूँ और इनकी सॉइल में कैसी सॉइल बनाई है वो तो बहुत वीडियो में बता चुकी हूँ। आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना ये है कि सैंडी सॉइल बनानी है। अब ज़्यादा आपको खाद कौन सी देनी है आपको, चलिए मैं बता देती हूँ कि मैं अपने इन प्यारे प्यारे फ्लावरिंग वाले प्लांट को कौन सी खाद देती हूँ। कई लोगों ने मुझे, सागर है कहीं MP में, वहाँ से एक लोगों ने मुझे कमेंट किया कि मैम प्लीज़ शेयर करिए आप अपने इन एडेनियम फ्लावर प्लांट को कौन सा खाद देती हैं। तो मैं बदल बदल के खाद देती हूँ साथियों, जैसे हम लोग बदल बदल के खाना खाते हैं वैसे इन प्लांटों को भी खिलाते हैं। तो एक खाद तो मैंने पहले दी थी 1 महीना पहले, बोन मील और नीम की खली को मिला के। आज मैं देने जा रही हूँ वो खाद है, देखिए बोन मील। बोन मील में सभी को पता है फास्फोरस और कैल्शियम की बहुत अच्छा सोर्स होता है, हमारे प्लांट की रूट्स को स्टम्प को बहुत स्ट्रांग बनाता है और पौधों में कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। दूसरी चीज़ है साथियों वुड ऐश भी हमारा बहुत अच्छा फंगीसाइड है, पोटेशियम की बहुत अच्छी मात्रा होती है, साथ ही साथ इसमें कैल्शियम फास्फोरस सब कुछ होता है एडेनियम फ्लावर प्लांट की फ्लावरिंग के लिए। तीसरी चीज़ है साथियों ये है नीम की खली, इंसेक्टीफाइड है और कीटनाशक है। अगर आपको नीम की खली नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ी सी फंजीसाइड पाउडर मिला लीजिए। वैसे भी फंजीसाइड पाउडर खाद में डालते समय हर किसी को मिलाना चाहिए। और ध्यान रहे साथियों जिन पौधों पर आपके फ्लावरिंग हो रही है उनको खाद की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जिन पौधों पर आपके नहीं हो रही है फ्लावरिंग उनको देने की ज़रूरत है, किसी बिना धार वाली चीज़ से धीरे धीरे इनकी मिट्टी को ऐसे आप लूज़ कर लें।
लूज करने के बाद साथियों जड़ों से थोड़ी दूर पर देखिए, मैं जैसे कर रही हूँ वैसे ही आपको करना है, जड़ पर आपको नहीं देना है। बड़ा प्लांट है, गमला है तो एक चम्मच दीजिए, मेरा तो ये बहुत छोटा प्लांटर है, देखिए 5 इंच का होगा, आधी चम्मच ही इसमें सफिशियंट है खाद। खाद देने के बाद वही मिट्टी आप ऊपर से इस तरह से चढ़ा दीजिए। बहुत अच्छे से समझिएगा, ये 3 खाद हमारे प्लांट में, इन 3 खादों का ही कमाल है, बोन मील, नीम की खली और ओडैश, इनका मिक्सचर अच्छे से बनाकर अपने हर प्लांट में, जिनमें कलियां नहीं आ रही, फूल नहीं आ रहे हैं, प्लांट बहुत ज़्यादा हैं, देती रहूँगी नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। उसके बाद आपको साथियों करना क्या है, देखिए फंजीसाइड वाला पानी 1 लीटर पानी में आधा चम्मच मिला लीजिए और इस तरह से अपने प्लांट की खाद को भी पानी दे दीजिए, जिससे ये पहुँच के जड़ों तक अपना काम कर सकें। अब आपको करना क्या है, आप अगर चाहें तो बारिश के समय में नहीं साथियों, बारिश देखिए 1-1.5 घंटे की रुकी है, तो यही फंजीसाइड वाला पानी पत्तियों के ऊपर भी स्प्रे करते जाइए, जिससे कि फंगस लगने का खतरा हमारे प्लांटों पर ना हो। अब एक खाद और आपको बताना चाहूँगी, अगर आपके पास नीम खली वो डैश और ये बोन मिल नहीं है, तो आप 1 गिलास पानी ले लीजिए और उसमें 4-6 बूंद सी वीड्स को ऐड कर दीजिए। देखिए ये है सी वीड्स, इसमें इस तरह से थोड़ा सा 4-6 ड्रॉप ही डालिएगा, ज़्यादा ना डालिए। अगर आपके प्लांट में कलियां फूल नहीं बन रहे हैं दोस्तों, जिस प्लांट में कलियां फूल नहीं आ रही हैं उसमें ही डालिएगा। देखिए इसमें कोई कली नहीं है, ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। इस प्लांट में मैं सीवीड फर्टिलाइज़र का लिक्विड डाल देती हूँ, 8-10 दिन के अंदर ही इसमें कलियां निकलने लगेंगी। मैं इस प्लांट का भी अपडेट आपको दिखाऊंगी। वैसे अपडेट दिखाना क्या है साथियों, मैं अपडेट तो लेके बैठी हूँ, 1 में मैंने ये खाद दी थी और इस प्लांट में मैंने सीवीड फर्टिलाइज़र दिया था, जिसका परिणाम आपके सामने है, आप इस तरह से बनाकर दे दीजिए। अब आपको एडेनियम को देखिए क्या ज़रूरत है, ज़रूर आप ये काम करिए, सूखी पत्तियाँ सूखे फूल हटाते रहिए, 15 दिन में एक बार प्लांट की गुड़ाई करते रहिए और आपके प्लांट में महीने में एक बार ही ये फर्टिलाइज़र आपको महीने में एक बार देना है और सी वीड्स भी साथियों आपको महीने में एक ही बार देना है। सबसे बड़ी बात, मैं अपने गार्डन में कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करती हूँ साथियों, हमेशा ऑर्गेनिक का इस्तेमाल करती हूँ, जिसका नतीजा है कितना ज़्यादा ब्राइट कलर है फ्लावर का और कितनी ज़्यादा शाइनिंग है, फ्लावर के साइज़ कितने बड़े हैं आप पास से देख लीजिए। तो आप भी इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करिए साथियों। मेरे पास एडेनियम फ्लावर प्लांट में इतनी अच्छी फ्लावर प्लाने की जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको दे दी है, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, और मेरे पहली बार जुड़े हैं तो इन प्यारे प्यारे एडेनियम फ्लावर को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइएगा, ताकि आपको इतनी अच्छी जानकारी मिले कि आप भी ऐसे फूल अपने गार्डन में पा सकें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।